तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आपका मेरे साथ एक नए व्लॉग में। आज का ये व्लॉग बेसिकली होने वाला है, अभी चल रहा है रमजान का महीना। भाई मेरे फ्लैट में मेरा दोस्त है इम्तियाज, और भी कई सारे दोस्त हैं, तो अभी उनके रोजे चल रहे हैं और शाम को वो इफ्तार करते हैं। जैसे उपवास छोड़ा जाता है वैसे ही रोजा छोड़ा जाता है, तो उस सीन को देखते हुए खाने वगैरह का हमने थोड़ा सा बंदोबस्त करना है, ऐसा इम्तियाज का कहना है। भाई की तरफ से पार्टी है ना, तो आज इम्तियाज भाई इफ्तारी दे रहे हैं हमको, इफ्तार पार्टी। तो बस अब हम जा रहे हैं किचन के अंदर, चलते हैं, काफी सारे लोग आने वाले हैं, आपको सबसे मिलाएंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं सब दिखाएंगे। हाँ जी, तो ये हम आ चुके हैं हमारे किचन के अंदर, यहाँ पे तैयारी चल रही है इफ्तार की। ये है मयंक भाई, ये है नीलेश भाई, दिस इज अब्दुल भाई, हेलो, एंड वहाँ पे अपने इम्तियाज भाई। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे सब तैयारी चल रही है, नींबू वगैरह रखा हुआ है एंड स्कॉश वगैरह हम नहीं डालेंगे चिकन में, ये सब रखे हुए हैं, धनिया पुदीना मिर्ची, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा है यहाँ पे। वो देखिए इफ्तार हम लोग सब कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये डोनट भाई खा रहे हैं, यहाँ पे सेब रखा है, केला रखा है, सब चीज़ें रखी हुई है। हाँ बस बिरयानी ने फाइनल डिनर और ये सब। अरे यार ये सब क्या क्या दिखाते हो भाई तुम लोग, बोले का बड़े हरांडे इफ्तार में सुट्टे। तो ये प्याज रखे हैं, प्याज कट गए, थोड़े से प्याज हम बरिश्ते में भी यूज़ करेंगे और थोड़ी ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे चल रही है सामग्री पूरी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, यहाँ पे तैयारी हो रही है मैरिनेशन की। यहाँ पे भाई लोग देख रहे हैं, देखना भाई बिरयानी बनानी है आखिरी में, ऐसा ना पुलाव बन जाए। नहीं ऐसा नहीं, ये हम अपने घर से लेके आए थे देसी घी, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। बरिश्ते के साथ में ये देसी घी का हम हल्का सा छोक मारेंगे, जिससे कि टेस्ट अच्छा आता है घी के साथ। तो देख लीजिए किचन हमारा थोड़ा कुछ ज़्यादा साफ नहीं है, ये सेक्शन हमारा नहीं है, हम यहाँ ही बनाते हैं खाना। आज सब आएंगे, मैं आपको सबसे मिलाऊंगा। अभी तो खैर तैयारी चल रही है, भीड़ आएगी। हाँ भीड़ आएगी, वही भीड़ आएगी, जनता आने वाली है। तो बस अभी सब प्रिपरेशन ही चल रही है यहाँ पे हमारा पूरा शेफ डिपार्टमेंट। बनाना किसको नहीं आता है यहाँ पे, सब खाना बनाना जानते हैं। हाँ भाई उमेश को नहीं आता, बाकी सबको आता है। तेरा तो गेम बचाना पड़े। अरे मिर्ची को ऐसा सीधा वो काट, बीच से काट दो ना, थोड़ा थोड़ा कच्चा काट दो, ठीक है। जूस डाल देंगे, थोड़ा जूस डाल दें, थोड़ा जूस डाल देते हैं। ये क्या बात करता है यार। दही और केला भी डाल दें थोड़ा सा मैश कर। काम करो, दही डालो, केला डाल दो, डोनट भी पीस के डाल दो दूध के साथ, बढ़िया है कि नहीं। वो विम रखा है, विम वो दिख रहा है, वो भी डाल दो थोड़ा सा, और भाई कुछ रेड पॉइजन वगैरह वो भी डाल दो, सब डाल दो, सब जितना जो है तीखा है वो खट्टा इसी से तो बनेगा। हाँ वो तो क्या डलेगा ही, वो तो डलने डलना है भैया। तो बिरयानी की नहीं आता ना ये नहीं खाऊंगा। तो देखिए भाई साहब देखने में यहाँ से कितनी बढ़िया लग रही है भैया, लॉन्ग है बहुत, लॉन्ग है। अच्छा अच्छा बहन के लोड़े। ये हमारे छोटे भाई हैं, देखने में लग रहा है कौन छोटा और कौन बड़ा है। बहन के लोड़े भैया को जवान, भैया अपने बीच में सबसे जवान दिखते हैं। वो बोल रहा है बड़े छोटे वाली बात कर रहा है, मैं भैया को छोटे भाई हूँ, छोटे भैया बोल रहा हूँ, जवान तो मैं हूँ। नीलेश भाई जैकेट ऐसी, नीलेश भाई पर जैकेट उतारने वाला शॉट कर दो, तो एक बार कर दो, जोश चाहिए, जोश जोशुआ। अच्छा अच्छा जोश है ना, वो वाला जोश लाओ रे, वायग्रा लाओ भैया के लिए। नॉट दैट जोश, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जोश। इज जोश ब्रो, ऐसी ऊपर वाले ने चुन चुन की किस्मत डाली है हमारी जिंदगी में। चलो चलो जॉब कर लेना, लेकिन दो तीन दिन के लिए बस, ट्रायल बेसिस पे। हाँ तो भाई जैसा कि मैं आपको बता दूं, दावत की तैयारियां हो चुकी है, यहाँ पे हमारी बिरयानी के लिए जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है, सिर्फ बचा इसमें जो एक नीलेश में टेढ़ा रखना था, कोई बात नहीं। अब इसमें जो एक चीज बची है वो है बस बरिश्ता तलने के बाद जो तेल बचेगा वो डालना, ताकि इसमें स्वाद और अच्छा आ जाए, और उसको तेल को निकालने के बाद हम उसमें उबालेंगे पानी को। पानी उबालेंगे भाई, सही कह रहे हो, पानी उबालेंगे, फिर उसमें उबालेंगे चावल को,
तो आइए चलिए देखते हैं कैसा रहता है क्या रहता है, आपको सब दिखाते रहेंगे। सलामु अलैकुम। ये मानसी है, ये हमारा निहाल भाई है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, कर दो भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अभी ईद आई नहीं है मैडम, रमजान का महीना तो स्टार्ट हुआ है अभी। तो भाई यहाँ चलते भाई मेरे चैनल पे स्ट्राइक दिलवाएगा। तो ये है गोल्डन बासमती राइस जो कि स्पेशली यूज किए जाते हैं। ओ भाई साहब, भैन की आज टट्टा चमक रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है मेरे भाई साहब। नहीं भाई कसम से हैंडसम लग रहा है आज तो। बस ये हाँ ये भी अच्छी लग रही है, ब्लैक पजामा भाई का कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। वॉच देखो देखो भाई, फॉसिल की वॉच पहनते हैं अमीर लोग। अब्दुल भाई के बनाने के अंदाज से लग रहा है कि आज बिरयानी बहुत स्वादिष्ट बनने वाली है। नहीं देखते हैं क्या होगा। नहीं नहीं हमें देख के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहे हैं। नहीं नहीं तेरे को प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं। शाम शाम बुलाया भाई इंडिया से, हैदराबाद से भाई। हाँ नहीं बेंगलोर से भाई। अच्छा अच्छा यार, बेंगलोर का नाम पढ़े लिखे खान सामान यहाँ आके पढ़ाई भी कर रहे हैं। नहीं मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए आदमी को भाई, बाद में बीवी भी तो बनवाएगी ना। लेकिन तब भी मैं कहूंगा ओ भाई साहब, भैन की आज टट्टा चमक रहा है। ट्रेडिशनल क्लोथ्स लाइक बेसिकली यू कैन वेयर दिस फॉर yeah, you are on a vlog. I'm gonna be on the internet. Yeah. Tell the camera. I'm gonna be on the internet. You're gonna be a? On the internet. Yeah. Let me introduce. This is my flatmate, my friend. Hello. Caleb. You're right, guys. It's sort of Dawat. Is it because of the Ramadan that's why we're doing this big cook? Yeah. I'm gonna do this all the time. Only for today. Yeah. Nice. Caleb was thinking that I don't have to worry about my diet. Yeah. Because these guys are cooking for me. Caleb, do we have that big patila? What? Black, big utensil, black one. In which you used to. This one, my friend. But then, you can use this one. निलेश भाई हैं भाई, या हमारे अरे ये अब्दुल्ला भाई थोड़ी है, अब्दुल्ला भाई ये हैं, ये हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, ये यहाँ पे बरिस्ता बन रहा है। उसकी सुगंध जो है, खैर ये तो खैर यहाँ पे कुत्ते नहीं तो हमारे घर के बाहर ना कुत्ते जमा हो जाते थे जब घर पे बिरयानी बनती थी। तो देखिए गाइस यहाँ पे कार्ड सिस्टम है, ये हमने लगाया, दरवाजा खोला सीधा पड़ गए। नॉट लाइक इंडियन हॉस्टल्स कि इंडिया के हॉस्टल तो ऐसे ही होते हैं, कोई भी कहीं भी घुस जाएगा, कोई भी कुछ भी कर रहा है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा वहाँ पे, सबका ऐसे ही काम चलता है वहाँ पे। अभी हम चल रहे हैं राहुल भाई से मिलेंगे, राहुल भाई से लेते हैं फटाक से, राहुल भाई से लेते नहीं है राहुल भाई को देते हैं चाबी। पूल टेबल मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने अपना अकोमोडेशन ही नहीं दिखाया, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए गाइस, ये एक पूल टेबल है, ये दूसरा वाला है, वहाँ पे आप सामान रख सकते हो अपना खाने पीने का जो भी है। ये वेंडिंग मशीन्स है, देख लीजिए सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, चॉकलेट ड्रिंक्स वगैरह, लेकिन है काफ़ी महंगा। अब जैसे स्नीकर्स अपने हैं, ये वाली 18 रुपए की आती है, यहाँ 18 पेंस की होनी चाहिए थी, कितने की है देखते हैं। ये स्क्रीन टच करी 34 नंबर 34, आई विल टाइप 34 हियर, 1.50 पेंस, यानी 150 रुपए की है ये साली, डेढ़ ये 18 रुपए की मिल जाती है। बोल रहा चला गया। हेलो
सो इन केस ऑफ फायर डू नॉट यूज द लिफ्ट, यूज द स्टेयर्स. कॉमन सेंस. तो आप जाओ स्टेयर्स से, क्योंकि आई एम लुकिंग लाइक अ फायर, आई एम लुकिंग वेरी हॉट. सो लिफ्ट आप यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं यूज़ करूँगा इसे. ये भूतिया लिफ्ट है, हमने कुछ भी नहीं दबाया है, ये अपने आप चल रही है, देख लो. ओए रुक जा. ये बरिस्ता हमारा तैयार ऑलमोस्ट हो गया है. तो यहाँ हमारे बरिस्ते से जो ये तेल निकला है, वैसे इस तेल का इस्तेमाल अपन उसको पकाने के लिए भी कर सकते हैं चिकन को, है ना. हाँ, वो ही चीज थोड़ा सा डालेंगे मतलब उस पर अपन. हाँ, देख लीजिए भाई, इसमें तेल हमने डाल दिया है बरिस्ते का. अब इसे मिक्स करेंगे हल्का हल्का. ये देखिए बरिस्ता डल गया, इसमें पूरा पूरा डाल रहे हैं क्या? चावल के ऊपर क्या डालेंगे अपन? ओ भाई साहब, भैन की आज टट्टा चमक रहा है. भाई यहाँ पे तैयार हो रहा है चिकन हमारा. तो ये देखो भाई, तेल इसमें डाला जा रहा है हल्का हल्का हल्का. बस 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 बस, ये चावल अपने उबाले जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और इसको बस हम स्टार्ट करेंगे और पकाएंगे. भाई यार 80% को चावल पकाना. मैं तो अभी नहीं भाई, 75% पकाना. 75% नहीं यार, मेरे हिसाब से 76.33% पकाना. उबाल लो, वो ज्यादा उबाल लो. 3 पतीलों में बन रहा चावल हमारा. इनवाइट किया था यहाँ, मसले हो गए भाई. ये गाड़ी वाले को पकड़ लिया है. हाँ भाई, गाड़ी वाले को पकड़ लिया, रॉन्ग जगह पार्क किया हुआ है. बस स्टेशन पे पार्क किया हुआ है, बस स्टॉप पे पार्क किया, कुछ मैटर होता हुआ. अभी उतारेंगे उसको. मैं तो सोचा देसी कलाकार पार्ट 2 बन रहा है, कुछ मैटर होता हुआ उतरेगा. हाँ, डोट से उधर उधर लेके जा रहे हैं उसको. अरे उधर पीट भी रहा है गाड़ी के अंदर, मेरे को नजर नहीं आ रहा भाई, झूठ क्या बोल रहे थे. तो भाई साहब, ये अपन चिकन ले चलते हैं यहाँ, क्योंकि अपना अपन ग्रेवी बनाने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. हेडलाइट जला लेते हैं, एक पे लगा देते हैं इसे. हाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे हम हल्का सा यहाँ से. हाँ ये ऑन है भाई. बड़ी लंबी प्रोसीजर है, ऐसा लगता है इंडियन रेलवे का लोको चालू कर रहा है. हेडलाइट जला लेते हैं, कलर आया है ना. हाँ, एक नंबर. चे चे, हट. सब अपनी इंजीनियरिंग लगा रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए तो डिग्री करी थी, इसीलिए तो यहाँ पैसा बर्बाद करने आए हैं सब. नहीं कि बिरयानी कैसे पकानी है बिना कांच फोड़े. अब हमारे चावल भी पक रहे हैं. आज का मूवी क्या है? देखिए भाई क्या पक रहा है चिकन यहाँ पे हमारा. इसको 2 पतीलों में बांटना पड़ेगा बिरयानी को. बांटना नहीं पड़ेगा, एक काम करेंगे, निहाल के पापा से कह के सारी जमीन अपने नाम करेंगे. उसको तो खुद नहीं मिल रही है, कबाब नहीं दे रहा. अरे मेरे को एक स्टोरी सही बताना, जब तू आया था तब तूने क्या बोलते हैं 600 पाउंड उड़ा दिए थे, है ना? 600 या 6000 पाउंड उड़ा दिए थे. फिर 6000 में ओमो, 6000 पाउंड सिर्फ कॉफी में उड़ाए थे भाई. हाँ भाई, रोज मतलब 6 लाख भाई ने कोस्टा की. भले भाई ने 5 दिन खाना नहीं खाना, लेकिन भाई ने कोस्टा की कॉफी पीनी भी नहीं थी, और भाई ने रोज कोस्टा वालों को पे किया ताकि वो 10 दिन बाद एक कॉफी फ्री पा सके. सलाम हो भाई आपकी समझदारी को, 21 तौर को भी सलामी दूं. मजाक कर रहा हूँ भाई, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ज्यादा कुछ बोल दिया तो. आज मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है. अब्दुल्ला भाई ने मेरे को एग्री कर दिया उस बात पे. अब चलो यार फटाफट बताओ, दहेज में कौन सी गाड़ी देने वाले हैं तुम्हारे पापा मुझे? भाई बताओ, मारुति 800 बोल रहे हैं. भाई मेरे जैसे आदमी को स्कॉर्पियो मिलनी चाहिए. एक ही तो गाड़ी है तेरे नाम पे भाई, स्कॉर्पियो मिलनी चाहिए. बेस मॉडल ना चले है, हमको चाहिए S11 क्लासिक. मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए. स्कॉर्पियन बोलोगे तो मना नहीं करूंगा. नहीं स्कॉर्पियन नहीं लूंगा भाई, उससे अच्छा वैगनार ले लूंगा मैं. बाकी 2 स्कॉर्पियो चाहिए, काली कलर की, एक फॉर्च्यूनर
अभी नहीं, काम करो फॉर्चुनर वॉर्चुनर रहने दो। अभी वो एंडेवर का नया मॉडल आया ना एवरेस्ट, वो चल जाएगी, वो दे देना। कुछ नहीं है भाई, बढ़िया से एवरेस्ट में मैं बैठूंगा, बीच में आप बैठोगी, है ना। आपके पिताजी कभी घर आएंगे तो हम उन्हें बैठा लेंगे उस गाड़ी में, उनके लिए मैं भेजूंगा, और बॉडीगार्ड के लिए गाड़ी एक आगे होगी एक पीछे होगी, है ना। स्कॉर्पियो, आई विल नॉट ड्राइव स्कॉर्पियो, माई ड्राइवर्स विल ड्राइव स्कॉर्पियो, एंड देर विल बी माई बॉडी गार्ड इन दोज कार्स, वन इन द फ्रंट एंड वन इन द बैक, एंड यू एंड मी विल बी इन द कार इन द सेंटर फॉर एवरेस्ट, सी एट द वेडिंग, आई मीन रोका, सी यू, थैंक यू सो मच। देखो भाई, मैं डाउरी दहेज बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, जो भी होगा समय देखेंगे, मजाक कर रहा हूँ, कोई भी खराब कमेंट नहीं करेगा। इन लोग का क्या है, ये तो ऐसा है, मेरे को ये डंडे पे किले ठोक के बैठा दें, लेकिन आपको समझना, आप मेरी जनता हो, एंड आई लव यू गाइस। ये देखिए ओमेर भाई चावल छानते हुए बड़ी शिद्दत से, खाना बनाओ तो शिद्दत और मोहब्बत की कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए गाइस, ये ब्लॉग के साथ साथ रेसिपी, ये बिरयानी, ये ग्रेवी तैयार है, यहाँ पर भी ये ग्रेवी तैयार है, बस अब यहाँ पे दम लगाया जा रहा है चावल। ये देखिए भाई, उमेश भाई हमारे तेल का गजब लग रहा है, कैसा लग रहा होगा, कैसी होगी खाने में बिरयानी, वही भाई उमेश बस कीजिए, इतना काफी है, काफी है ना। अब हम इसमें लगा लेते चावल थोड़ा सा, ये चावल याला पलटाते हैं, यहाँ पर पलटाना नहीं है, इसको लेंगे ठीक है, वो कुछ इस तरीके से स्प्रेड करना शुरू करेंगे ताकि इवनली सब जगह लगता जाए। कर सकते हैं, फिर इसलिए देखा जाए तो घी लगेगा तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ऐसी और चीज़ें देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये हमारा बरिस्ता, बरिस्ता थोड़ा थोड़ा फैलाएंगे इसमें तरीके से, और इसके तो काफ़ी बढ़िया सा कलर आ रहा है इसमें, ब्राउन कलर जैसे कि आप देख सकते हैं। नो अल्कोहल, ये देखिए अल्कोहल हमारे पास सभी फिलहाल दूध और केसर नहीं है, वरना हम वो भी डाल सकते थे हल्के से कलर और फ्लेवर के लिए। और हमें बिरयानी बहुत ही गजब टेस्ट लेने वाली है। Bro gonna have some good food. Yeah, buddy. घी पूरा खत्म हो लिया क्या? और बचा मतलब जितना बच रहा है वो पूरा पूरा उसका खट दो, मतलब डाल दो, कि इतना इतना जो बच रहा है ना फिर वो मतलब नहीं वेस्ट होगा। ये देखिए, मैं ये लाया था डब्बा भर के देसी घी, गाय का घी था, गाय के दूध से बना घी था, मम्मी ने मेरे को रखा था और उन्होंने बोला था कि मुझे नहीं लगता ये 2 महीने में ख़त्म हो पाएगा, और आज मेरे को 1 महीना 5 दिन के आसपास हो गए, मैंने पूरा घी ख़त्म कर दिया। अब बताओ भाई, देसी बालक है, हम तो दूध घी का ही खाना खाते हैं, हर चीज़ में घी, मैगी में भी घी डाल लेते हैं हम तो, आप किस किस चीज़ में घी डाल के खाते हैं मुझे एक बार ज़रूर बताएं। मात्र 1 महीना 5 दिन 6 दिन में घी की डब्बी पूरी खाली हो गई, पूरी भर के लाया था मैं घर से, सोचो। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताएं आपको बिरयानी में घी का फ्लेवर कैसा लगता है, दिखाओ 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 चेहरा दिखाओ अपना, इतनी खूबसूरत है बिरयानी, इतनी क्यों खूबसूरत हो, अमीर देखे नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। तो हमारे वहाँ किचन में चेयर कम पड़ गई थी तो मैं अपने कमरे की चेयर ले आया हूँ। चलो भाई, सो देखिए यहाँ पे हमारी पूरी पंगत बैठ चुकी है, ये सब बैठ गए हैं यहाँ पे, खाना हमारा निकल रहा है, अरे वो लेके कैलेब भाई का कटोरा है और यहाँ पे हमारा खाना। बिना दावत सब हो चुकी है, अबे कॉपीराइट आ जाएगा उसका, भाई कॉपीराइट दिलवाएंगे भाई ये लोग, बोलो कुछ नहीं इसके बातें बहुत अक्सर बकवास करते
बकवास होती है तो उम्र के बाद सुना। अच्छा आप फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को ये बताओ कि बकवास में क्या आपको ये व्लॉग कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।